क्वेश्चन नंबर एट में क्या गिवन है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स है जिसकी लेंथ 1 मीटर है एंड एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये फिगर है ई वेक्टर 50xi कैप है, 50xi कैप है। तो ई वेक्टर अगर 50xi कैप है तो ई वेक्टर यानी कि कहां पर है, टुवर्ड्स राइट है, तो ई वेक्टर 50xi कैप है। अब यहां पर यानी कि ई की वैल्यू कितनी हुई, 50 × 1, और यहां पर ई की वैल्यू कितनी हुई, 50 × 2, क्योंकि यहां पर 1 + 1 क्या है, 2, तो ई की वैल्यू यहां पर चेंज हो रही है लेकिन है वो एक्स एक्सिस के अराउंड, यानी कि यहां पर ई वेक्टर राइट है, यहां पर भी ई वेक्टर राइट है। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? अब आपको इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर राइट है और यहां पर लेफ्ट है, तो फ्लक्स क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का फ्लक्स हमेशा सिलेंडर में क्या होता है, जीरो। इसका फ्लक्स क्या होगा, ई इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ जीरो, इसका क्या होगा, ई इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ 180, तो ऐड करके टोटल फ्लक्स आ जाएगा। फिर जो भी टोटल फ्लक्स आएगा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को डाउट, 9th में डाउट है, 9th में क्वेश्चन एग्जैक्टली क्यूब वाला ही है जैसे नॉर्मली क्यूब वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन स्टेटमेंट की फॉर्म में उसने दे दिया। तो वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्स बी आई कैप है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट के साथ ई की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। ठीक, तो ई नॉट एक्स बी आई कैप है जिसमें बी की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर एक क्यूब गिवन है, इस क्यूब का ये वाई एक्सिस है, इस क्यूब का ये एक्स एक्सिस है। ठीक है यहां तक? इसके अंदर उसने कहा कि ये ओरिजिन है, तो आपका जो क्यूब के कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू ए पे है, ये रहा, y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू ए पे है, z इज इक्वल टू जीरो एंड z इज इक्वल टू ए पे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है ई वेक्टर जिसकी वैल्यू ई नॉट इंटू एक्स बाय बी आई कैप है। ठीक, अब ई की वैल्यू अगर आप इस फेस की बात करें, यहां पर ई वन की वैल्यू आएगी जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि जो ये प्लेन है एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो और जेड इज इक्वल टू जीरो पे खड़ा हुआ है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां का फ्लक्स भी क्या आएगा, जीरो। यहां का फ्लक्स वैसे ही जीरो है 90 की वजह से, ईडीएस में कॉस 90, तो बचा क्या, सिर्फ ये बच गया। तो यहां से एक फेस का फ्लक्स आएगा ई इंटू एरिया, आप इसमें वैल्यूज पुट कर लेना सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, और आपको इसमें क्या निकालना है, चार्ज। तो चार्ज क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां से चार्ज आ जाएगा। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है, बाकी तो सारे नॉर्मल वही क्वेश्चन है जैसे हम नॉर्मल कर रहे हैं। बात खत्म।